हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं AMD फोटो एडिटिंग। आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की कलर लाइट फोटो एडिटिंग। अगर आप भी अपनी नॉर्मल फ़ोटो को कुछ इस तरह से एडिट करना चाहते हैं तो वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छी से अपनी फ़ोटो को एडिट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में ओपन कर लेना है। ये देखिए, मैं अपने फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में ओपन कर लिया और अब पहले से बैकग्राउंड को इरेज करके रखता हूँ। अगर आपको फोटो से बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वीडियो देख कर अपने फ़ोटो से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर में आपको बहुत सारे टूल नज़र आ रहे होंगे, ऊपर से सेकेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक इम्पोर्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा होगा। इम्पोर्ट इमेज पर क्लिक करके उसके बाद आपके सामने आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। वहाँ से अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। यह बैकग्राउंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैकग्राउंड को अपने फ़ोटो के ऊपर से अच्छे से एडजस्ट कर लेने के बाद सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। डन हो जाने के बाद आपको लेयर का ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर में, लेयर पे क्लिक करके आपके बैकग्राउंड का लेयर को अपने फ़ोटो से नीचे ले जाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद अपने फ़ोटो वाला लेयर पे क्लिक कर देना है। आपको ऊपर से सेकंड क्लिक करके आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा होगा, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर देना है और अपने फ़ोटो को कर लिया है। सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करके अपने फ़ोटो का एक डुप्लीकेट लेयर बना देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट का, देखिए मेरा फ़ोटो का एक डुप्लीकेट लेयर बन गया। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद ऊपर वाले फ़ोटो को हाइड कर देना है और अपने फर्स्ट फ़ोटो पर क्लिक करके एक बार और क्लिक करके इसको पूरा नीचे करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा होगा ब्लेंडिंग, उसको नॉर्मल है, उसको हम सिंपली डार्किन कर देंगे। डार्किन कर देने के बाद देखिए तो किस तरह से भी आप फोटो किस तरह जूम करके फिर से लेयर पे क्लिक करके अपने फर्स्ट फोटो को अनहाइड कर देंगे। उसके बाद कैंची के बगल में आपको ब्रश टूल का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ब्रश का ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग इसे ध्यान से देखें। लेगेसी लगासी का टोकरी में सबसे नीचे के सेकेंड वाले हार्ड वेदर ब्रश को सेलेक्ट कर दें। तो सिंपली सेकेंड से जाना है, साइज को आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अमाउंट को 100 कर देंगे, सिंपली इसको क्लिक करके अपने फोटो में जो वाइट वाइट टाइप आ रही है ये देखिए कितनी अच्छी तरह से अपने बाल के साथ जो कलर आ रही थी हम उसको रिमूव कर दिए। उसके बाद फिर से लेयर पर क्लिक करके ये जो सेकेंड वाले फोटो लेयर है डार्किन वाला उस पर क्लिक करके डबल क्लिक करके सिंपली मर्ज कर देंगे। उसके बाद आपको फिर से लेयर पर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर क्लिक कर देना है, प्लस के निशान पर क्लिक करके देखिए एक एम्प्टी लेयर क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको फिर से ब्रश टूल पे क्लिक करना है। ब्रश टूल पे क्लिक कर देने के बाद आपको एक कैटेगरी मिलेगा बेसिक, बेसिक कैटेगरी के ऊपर से थर्ड वाले ब्रश को सिंपली चूज कर लेना है। इसको हम चूज कर लिए। ये सब हो जाने के बाद अब हम डालेंगे अपने फ़ोटो पे सिंपली कलर इफेक्ट, जो इस फोटो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कृपया इसे ध्यान से देखिएगा, तो भी आप अपने फ़ोटो पर सिंपली कलर इफेक्ट डाल पाओगे। तो आपने ब्रश टूल में जाकर ब्रश को सिंपली चूज कर लिया है। उसके बाद लेयर पे क्लिक करके सिंपली हम लोग जो पेंसिल लेयर बनाए उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको ब्रश टूल के बगल में आपको कलर
आप सनारा हुआ कलर पे क्लिक करके, कलर पे क्लिक करने के बाद कैंची का सनारा हुआ सिंपली से क्लिक करके आपको अपने बॉडी के बगल वाले स्क्वायर से सिंपली वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ले जाना है। उसके बाद आप अपने फोटो को प्रिंट करके अच्छी तरह से अपने फोटो को ड्रॉ कीजिए। ये देखिए इफेक्ट आ रही है अपने फोटो पे। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर थोड़ा येलो है तो हम सिंपली येलो चूज करेंगे। आपको जहाँ पे जो कलर लगे सिंपली वही को चूज कीजिएगा। कुछ इस तरीका से आप लोग लीजिएगा। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। देखिए आप लोग मैं अपने फोटो पर कितने अच्छे से इफेक्ट डाल देता हूँ। और एक बार कह रहा हूँ देखिए किसी और ब्रश सेलेक्ट होकर मेरे से थोड़ा सा मेरे फोटो पर घिसा गया तो आप लोग इसे इग्नोर कर दीजिएगा और आप लोग अपने फोटो पर इसे ध्यान से देख लीजिएगा। हम लोग थोड़ा और ये सब लाइट जो सब है उस पर थोड़ा इफेक्ट देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं लेयर पे क्लिक करके इसको हाइड करके ये देखिए पहले कैसा था, इफेक्ट डालने के बाद देखिए कैसा हो गया। उसके बाद आपको फर्स्ट टूल पे क्लिक करके लेयर पे क्लिक करके अपने फोटो को सिंपली सेव कर लेना है। आप कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए डन, मेरा फोटो सेव हो गया। उसके बाद अब हम लोग जो जो काम करेंगे सिंपली आप लाइटिंग में करेंगे। ये देखिए मैं अपने फ़ोटो को लाइटरूम में ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद बैक जाना है। ये आपको प्रीसेट, ये एक प्रीसेट है, ये यही फ़ोटो के लिए मैंने ये प्रीसेट बनाया था। ये प्रीसेट को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्रीसेट को लाइटरूम में ओपन कर लेने के बाद यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा होगा। 3 डॉट पर क्लिक कर लेने के बाद कॉपी सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। कॉपी सेटिंग कर लेना है सिंपली इसको, इसको कॉपी करके सिंपली इसको डन कर देंगे। फिर इसके बाद बैक चले जाना है। उसके बाद जो मैंने अभी फोटो एडिट किया सिंपली उसको अब ओपन कर लेना है। उसको ओपन कर लेने के बाद आपको कॉर्नर पर 3 डॉट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए फोटो एक क्लिक में, ये देखिए आप बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अगर आप प्रीसेट से अपनी फ़ोटो को कलर नहीं मिलाना चाहते तो मैं जैसे ही मिलाया हूँ जैसे आप ये देखकर आप मिला सकते हैं। ये देखिए मैंने एक्सपोजर को 33+ रखा है, कॉन्ट्रेस्ट 26+, हाईलाइट्स -54, शैडो 37+, वाइट 37+, ब्लैक -19। उसके बाद कलर, कलर में आप देख सकते हैं वाइब्रेंस 22+, सैचुरेशन 3। उसके बाद देखिए आप टिंट भी देख सकते हैं +8 है। उसके बाद मिक्स टूल में जाएंगे, देखिए रेड कलर का मिक्स लेमिनेस 25, सैचुरेशन 20, सैचुरेशन 8, यू -8। उसके बाद ये कलर ऑरेंज का देखिए आप लेमिनेस 35, सैचुरेशन -7। उसके बाद आप देखिए येल्लो का, येल्लो का देखिए लेमिनेस 24, सैचुरेशन 9, यू 32। उसके बाद आप ग्रीन का देखिए, ग्रीन का यू 92, सैचुरेशन 0, लुमिनेस 0,
आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। सैचुरेशन इसका देखिए 70, ह्यू 93, कलिमेट 35, ये देखिए ब्लू का ब्लू 69, सैचुरेशन 70। इसके बाद देखिए बैगनी ह्यू -16, सैचुरेशन 7, ल्यूमिनस -22, 12 रेड का देख सकते हैं, ह्यू -16, सैचुरेशन +16, ल्यूमिनस -22। और इसको हो गया, आप ये वाले टूल में जाइए, देखिए इसका टेक्सचर 0, क्लियरिटी 34, डेज 5, रेगनेट -38। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने अपने फ़ोटो के लिए कलर मिलाया है। आप ये देख कर अपने फ़ोटो को कलर मिला सकते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए शार्पिंग 20, रेडियस डिटेल, मैपिंग नॉइज रिडक्शन डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट कलर नॉइज, आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। ये देखिए उसके बाद सिंपली डन देखिए, बिफोर आफ्टर, उसके बाद आपको शेयर पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर ये देखिए मेरा फोटो सेव हो गया। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया